फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल टेक द बेस्ट 45 चैप्टर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ड्रग एक्टिंग और नर्वस सिस्टम, मतलब कौन सी ड्रग नर्वस सिस्टम पर कैसा अटैक करती है। तो हम लोग नर्वस सिस्टम पहले समझते क्या होता है। नर्वस सिस्टम एक पार्ट होता है ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी का एक नर्वस सिस्टम पार्ट होता है। इसका जो बिहेवियर होता है, ट्रांसमिटर सिग्नल को ट्रांसमिट करता है अपर बॉडी एरियाज, डिफरेंट बॉडी एरियाज में सिग्नल ट्रांसमिट करता है। जो वर्टेब्रा होती है, वर्टेब्रा कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, एक होता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज टू पार्ट्स। एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन तो पिछली वीडियो में हम बता ही चुके हैं ब्रेन क्या होता है। अब बात करते हैं एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक मतलब बेहोशी की दवाई या बेहोशी की मेडिसिन। तो एनेस्थेटिक इज ए ड्रग और एजेंट। एनेस्थेटिक एक ऐसी ड्रग और एजेंट है जिनका यूज लोग करते हैं प्रोड्यूस ए कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन। इसको हम लोग कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन का मतलब ये होता है, लोग कंप्लीट नींद निद्रा देती है। ये ड्रग का निद्रा क्यों करती है। देयर आर फोर टाइप्स जो एनेस्थेटिक होते हैं, इसको फोर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है रीजनल एनेस्थेटिक, एक होता है जनरल एनेस्थीसिया मतलब साधारण एनेस्थीसिया, दूसरा तीसरा इसका होता है सीडेटिव, एक होता है लोकल एनेस्थीसिया। आइए देखते हैं जनरल एनेस्थीसिया कितने भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए बोर्ड की ओर, देखिए जनरल एनेस्थीसिया को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है इनहेलेशन, एक होता है इंट्रावेनस। मतलब एनेस्थीसिया को हम लोग किस रूप से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब कौन सी रूप ऐसे है जिससे हम लोग एनेस्थेटिक ड्रग को अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब तो हम लोग जानते हैं सांस लेना। हम लोग जो सांस लेते हैं इनहेल, जैसे रोल हुआ, रोल ऑन स्प्रे आते हैं उनको इनहेल करते हैं, या हाफ वगैरह लेते हैं बच्चे पानी, वो इनहेलेशन में आती है। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें गैस फॉर्म में आती है। इनहेलेशन को टू टाइप्स में करते हैं, एक होती है गैस फॉर्म और सेकेंड होती है वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड बोले तो हिंदी में इसको बोलते हैं वाष्पशील ब्रे, जो उल्टा आते हैं मतलब ऑक्सीजन से संपर्क में आने से गैस उसको खोलते हैं तो वो उड़ जाती है हवा में, वाष्पशील होते हैं। जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, कैरोसिन ऑयल हुआ, ये वाष्पशील होते हैं। ये वोलेटाइल ऑयल होते हैं, गैस में आती है नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस बोलते हैं। इसको लाफिंग गैस का दूसरा फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरा फॉर्म यूज होता है नेचुरल ऑक्साइड का। यहाँ होती है वोलेटाइल लिक्विड भी होती है वाष्पशील, बताई चुकी है। इसमें ड्रग आती है पांच, एक आती है ईथर, एक होती है मेथाहेक्स, एक होती है मेलाथिन। इसमें ईथर वाष्पशील होती है, मेलाथिन वाष्पशील होती है, आइसोफ्यूरेन वाष्पशील होती है, और डेस्फ्यूरेन, सीबोफ्यूरेन। फिर आती है सुबह इंट्रावेनस। इंट्रावेनस मतलब इंट्रा मसल वेन, वेन में हम लोग जो ड्रग अप्लाई कर लेते हैं वो आती है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस हम लोग टू टाइप्स में करते हैं, होते हैं फास्ट एक्टिंग ड्रग, एक होते हैं स्लो एक्टिंग ड्रग। जो स्लो एक्ट करती है, जो स्लोली ड्रग एक्ट करती है, मतलब स्लो काम करेगी, और एक फास्ट एक्टिंग वन लगाया, यहाँ लगाया बाहर काम हो गया, ये होती है फास्ट एक्टिंग ड्रग। अब देखते हैं फास्ट एक्टिंग ड्रग में आती है थायाकैंटोन, मेथाहेक्सोन, प्रोपोफोल और इटोमाइडेट। ये चार ड्रग आती है जो फास्ट एक्टिंग ड्रग आती है, ये बहुत ही फास्ट वर्क करती है, फास्ट रैपिड होती है, बहुत तेजी वर्क करती है। स्लो एक्टिंग ड्रग को हम लोग तीन टाइप्स में डिवाइड करती है। पहला होता है बेंजोडाइजेपाइन, फिर होते हैं डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, मतलब ये डिसोसिएटिव मतलब ये थोड़ा वर्क कम करती है उसकी तुलना में, तो और दूसरी होती है वो इंट्रावेनस से निकल आती है, ये भी इंट्रावेनस से निकल आती है। ओवर जो होती है फेनेट्रिन और रैफेनेट्रिन होती है, रैफेनेट्रिन होती है। देखिए इनको जब हम लोगों ने एनेस्थीसिया को डिवाइड किया था फोर टाइप्स में, एक होती है जनरल एनेस्थीसिया, सीडेटिव एनेस्थीसिया, और इसको बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया, चार हो गई।
जनरल एनेस्थीसिया बोलती है, तो डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करते हैं, तुरंत तुरंत ही इंसान को बेहोशी सिलेटे हो जाती है, निद्रा आ जाती है। और हीजरल एनेस्थीसिया वैसे एनेस्थीसिया होती है जिसका प्रयोग हम लोग कुछ टाइम के लिए छोटे से पार्ट को प्रॉपर सुन्न या नम किया जाता है, वहाँ पे हीजरल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। सिलेटे एनेस्थीसिया का यूज करते हैं जब मतलब स्लोली स्लोली नींद में इंसान बोलता है, मतलब कोई कोई निद्रा में होता है बोलते रहता है, वहाँ पे ये किसी एक प्रॉपर पार्ट को प्रॉपर तरह से नम करने के लिए, जैसे डेंटल प्रोडक्ट है, आपको दांत करवाना है या आँख में ऑपरेशन है, मोतिया टिक्का वगैरह, इनमें आपको लोकल एनेस्थीसिया दी जाती है। फिर इसके बाद आपको चढ़ा देते हैं आज एक ड्रग है जो थायोपेंटोल, आज हम बात करते हैं थायोपेंटोल में, इसके केमिकल है, इसके स्ट्रक्चर और इसका यूज, इसका स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। देखिए थियापेंटोल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सबसे पहले ये पेंटिन से बनता है स्ट्रक्चर, पेंटिन आप बना लीजिए सिंपली, ये आपकी पेंटिन बन गई। यहाँ पे थाया जो लगता है एस, यहाँ पे लगता है पिरिमिडीन ग्रुप, यहाँ पे लगता है कीटोन ग्रुप, और यहाँ पे आपका होता है कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे लगते हैं कार्बोनिल, जैसे कि अब इसकी सबसे पहले नंबरिंग करना सीखते हैं। नंबरिंग कहाँ से होती है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बैंडिंग में सिक्स कार्बन होते हैं, यहाँ पे एंड देखिए ये आपका स्ट्रक्चर बन चुका है थिया पेंटोल का। अब हम जानते हैं थिया पेंटोल के साइनोनियम, थिया पेंटोल को हम लोग बोलते हैं सोडियम पेंटोथार, इसको सोडियम पेंटोथार बोलते हैं। थिया पेंटोल बोलते हैं थाया पेंटोल, और इसको बोलते हैं सोडियम थायोपेंटाल। ये इसके साइनोनियम होते हैं जी, थायोपेंटोल के साइनोनियम, सोडियम पेंटोथाल थायोपेंटोल सोडियम थायोपेंटाल। इसके अब बात करते हैं तो स्ट्रक्चर बन चुका है, अब यहाँ से करिए मैथ एथ, यहाँ पे जब सी एस के लिए लगता है तो एथिल मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल ऐसे करके रखते हैं, तो यहाँ पे पांच शुरू करते हैं सबसे पहले। देखिए फाइव एथिल, फाइव एथिल ये हो गया आपका फाइव एथिल। देन इसके बाद आते हैं हम लोग फाइव, यहाँ लिखिए कोष्ठक के बाहर, यहाँ पे कोष्ठक लिखिए आप ब्रैकेट में वन मैथिल, यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हो गया आपका मैथिल वन मैथिल, वन टू थ्री फोर, देखिए वन टू थ्री फोर यहाँ ब्यूटे हो गया आपका, ब्यूटा है कौन ब्यूटा है बी यू टी वाई एल ब्यूटा है, बंद कर दीजिए। फिर यहाँ पे आता है टू, टू थायो को टू थायो ऑक्सो, टू थायोक्सो यहाँ पर आता है वन कॉमा थ्री, वन कॉमा थ्री डाई हाइड्रो, यहाँ पर हाइड्रोजन
हाइड्रोपाइरिडीन, पाइरिडीन। अब आपका ये हो गया, ये हो गया, ये बचा है यहाँ पे 6.4, यहाँ पे कीटोन है, कौन ग्रुप है, तो डाई, यहाँ पे डबल है, तो डाई है, डाई डाई हो गया आपका आईयूपीएसी नाम। ये है आपका थायो पेंटोन का आईयूपीएसी नाम। अब बात करते हैं इसका यूज, इसका हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं, देखिए यूज ऑफ थायोपेंटोन, थायोपेंटोन का यूज हम लोग करते हैं, इट इज सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होता है, इसका यूज एनेस्थीसिया में करते हैं, एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया अगेन करते हैं प्रोसीजर स्मॉल एंड लार्ज एनिमल फॉर 15 मिनट, 15 मिनट के लिए हम लोग सेंसेशन करते हैं एनिमल्स का, छोटे एंड बड़े एनिमल्स का 15 मिनट के लिए सेंसेशन करते हैं। और इसका यूज करते हैं लोग एंटी कोरल सेंटर में, इसका यूज एंटी कोरल सेंटर करते हैं, इसका यूज एंटी कोरल सेंटर में करते हैं, और इसका यूज करते हैं लार्ज एंड स्मॉल एनिमल सेडेशन फॉर 15 मिनट। दो अब बात करते हैं इसकी स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी, इसकी क्या स्टोरेज होनी चाहिए, कैसी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसको हम लोग रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको हम लोग 24 घंटे तक सेफ रख सकते हैं। और बात करते हैं अगर इसको हम रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड किसी एक रूम में रखने पर मैक्सिमम 6 आवर इसको रख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ये आपका पसंद पूरा होता हुआ था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।